इनोवेटिव रेसिपीज के लिए हमारे चैनल फूड कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आज सबके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी मैंगो साबुदाना की खीर। ये बहुत ही टेस्टी होती है, फटाफट से बन जाती है, सिर्फ 10 मिनट में आप इसे बनाकर रख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठंडी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप देख सकते हैं इसका क्रीमी और रिच टेस्ट और टेक्सचर कितना बढ़िया है। इसे बनाने में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे हैवी बॉटम की एक भगोनी ले ली है, इसे मैंने पानी से हल्का सा गीला कर लिया है। जब भी आप फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करें तो आप बर्तन को थोड़ा सा गीला कर लें, ऐसा करने से दूध आसानी से तली पर चिपकता नहीं है। मैंने दूध को इसमें डाला है, अब हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब भी आप दूध को बॉईल करें हाई फ्लेम पर बॉईल करें ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए, बीच बीच में इसे हिलाते रहें। इस तरह से हमारा पास में ये दूध उबल चुका है, मैं इसे धीरे धीरे हिला रही हूँ, कंटिन्यूस हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अच्छे से उबल जाए तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर चौथाई कप साबुदाना ले लिए थे, उसे मैंने एक घंटे पहले सोख कर लिया था। ये अच्छे से भीग चुके हैं। इस तरह से भीगने के बाद में हम इन भीगे हुए साबुदाना को उबलते हुए दूध में डाल देंगे। अब एक हाथ से आप साबुदाना डालें और एक हाथ से आप हिलाते जाएं ताकि साबुदाना तली पर चिपके ना। साबुदाना में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, बहुत ही आसानी से तली पर चिपक जाता है, तो जब आप साबुदाना डालें तो इसे धीरे धीरे हिलाते रहें, लेकिन कंटिन्यूस हिलाते रहें। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि 7 से 8 मिनट में ये गाढ़ा ना होने लगे। 7 से 8 मिनट में एक अच्छे से गाढ़ा हो जाता है और आप देख सकते हैं कि साबुदाना के जो दाने हैं वह भी काफ़ी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। इसका मतलब अब साबुदाना अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें दबाकर भी देख सकते हैं, ये काफ़ी स्पॉन्जी हो जाते हैं और दूध भी काफ़ी अच्छे से गाढ़ा और मलाईदार हो चुका है। इस तरह से हमें यहाँ पर इस खीर को पका लेना है। जब दूध इतना गाढ़ा हो जाए तब हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1/3 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को घटा या बढ़ा सकते हैं, और यदि आप शुगर फ्री आम की खीर खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब भी आप दूध में चीनी डालें तो इसे हाई फ्लेम पर कंटिन्यूस हिलाते हुए पकाएं ताकि चीनी तली पर जाकर चिपके ना। इस तरह से हम इसे 2 मिनट में पका लेंगे। चीनी डालने के बाद में दूध पतला हो जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। देखिए दूध थोड़ा पतला हो गया है, पर ये थोड़ा सा देर में वापस से गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इस स्टेज पर आकर गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब इसे गैस स्टोव से उतार लें और पंखे के नीचे कंटिन्यूस हिलाते हुए ठंडा कर लें। तो इस तरह से ठंडा होने के बाद में साबुदाना की खीर और भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें मैंगो फ्लेवर के लिए फ्रेश मैंगो का पल्प डालेंगे। मैंने यहाँ पे अल्फेंसो मैंगो यूज़ किए हैं, इसलिए मैंने शुगर कम डाली थी क्योंकि ये काफ़ी मीठे होते हैं। यदि आपका आम खट्टा है तो आप उसके अकॉर्डिंग चीनी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मैंगो पल्प डाल के इसे अच्छे से हिला लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और टेस्ट लेने के लिए करीब 2 से 3 चम्मच यहाँ पर बारीक कटे हुए आम के पीसेस डालूंगी कि जो कि जब हम इसे खाएंगे और एंजॉय करेंगे तो साबुदाना के दानों के साथ साथ में आम के चंक्स भी आएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगते हैं। अब मैं यहाँ पर गार्निशिंग के लिए एक ग्लास बोल के ऊपर मैंने छोटे छोटे से आम के टुकड़ों को चिपका लिया है, जिससे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी के अनुसार इसे गार्निश कर सकते हैं। अब तैयार साबुदाना खीर को आप इसमें सर्व करें। आप इस खीर को चिल्ड सर्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है। इसे बनाकर आप 1 से 2 दिन तक रख भी सकते हैं। व्रत के दिनों में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। समर सीजन में आप इसे ऐसे एज ए स्मॉल सर्विंग पुडिंग के रूप में इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है, बनाने में एकदम आसान है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप इसे मैंगो के छोटे छोटे पीसेस से और पिस्ता के कतरन से गार्निश करें, जिससे ये और भी खूबसूरत और टेम्पटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से घर पर आसानी से मिठाइयाँ बनाएं और समर्स को भी एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए, और किस तरह की समर रेसिपीज आपको चाहिए जरूर बताएं। थैंक यू।